ओके, मैं देख रही थी कि जो वीडियो है उसकी आवाज़ वगैरह ठीक है कि नहीं, लेकिन आई थिंक वो पंखे का शोर है, तो जो है अब मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करूँगी। तो मैंने आपको बताया नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कि नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आपके पास जो है लेफ्ट कोसेट्स जो है वो राइट कोसेट्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सब ग्रुप के लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास एक ग्रुप है जी, एक उसका सब ग्रुप है जी एच, और उसके जो कोसेट्स हैं जिनको हम जी एच लिख सकते हैं अगर वो उसका लेफ्ट कोसेट है, और अगर एच जी लिखेंगे अगर वो उसका राइट कोसेट है। तो बेसिकली आपके पास इन ये जब दोनों लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं किसी सब ग्रुप के, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। और नॉर्मल सब ग्रुप को लिखने का जो तरीका है वो आपके पास ये है कि अगर एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो आपके पास जो है वो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास जो अबिलियन, अगर ग्रुप जी जो है वो अबिलियन हो, तो उसका जो सब ग्रुप है वो तो अबिलियन होगा ही होगा। और जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास सब ग्रुप अबिलियन हो तो उसके लेफ्ट और राइट को सेट्स बराबर होते हैं, तो इट्स मीन कि अगर आपके पास जी जो है वो कोई अबिलियन ग्रुप है और ऑब्वियसली उसका सब ग्रुप भी एबिलियन ही होगा, तो इट्स मीन कि उसके जो लेफ्ट और राइट कोसेट्स हैं वो आपस में बराबर ही होंगे, और अगर उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स आपस में बराबर ही हैं तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो हर हार में नॉर्मल ही होगा। और दूसरी आपके पास क्या है कि अगर कोई ऐसे भी ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो सब ग्रुप एबिलियन तभी हो जब उसका ग्रुप एबिलियन हो, अगर ग्रुप नॉन एबिलियन भी है तब भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सब ग्रुप जो होता है वो एबिलियन हो जाता है। तो अगर ग्रुप एबिलियन नहीं भी है फिर भी अगर कहीं सब ग्रुप एबिलियन हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वो भी सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल ही होगा, लेकिन अगर ग्रुप एबिलियन है तो फिर तो हर हाल में ही आपके पास जो है वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। तो आपके पास जो है फिर आगे नॉर्मल सब ग्रुप्स की दो टाइप होती हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और एक होता है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो जो आपके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है बेसिकली दो, जैसे हमने सब ग्रुप्स पढ़े थे नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इसी तरह आपके पास जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप्स भी इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर हैं। इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स वो होते हैं किसी जी का जो, अगर आपके पास कोई एक जी है, जैसे आपको पता है कि जी के दो ग्रुप्स हो सकते हैं जिनको हम लोग, दो सब ग्रुप्स हो सकते हैं जिनको हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, एक तो जी इट्सेल्फ, ठीक है, और एक आइडेंटिटी। ये आपके पास जो होते हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं। तो आपके पास जो है अगर ये जो दो सब ग्रुप हैं इनके लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स बराबर हैं तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इनके अलावा जितने भी आपके पास सब ग्रुप्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन दो की भी डेफिनेशन जो है वो पता चल गई कि इम्प्रॉपर कौन से होंगे, जो कि जी इट्सेल्फ और आइडेंटिटी होंगे, और इनके अलावा जितने भी सब नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप होंगे।